हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा कि मेरी न्यू बाइक, और इस बाइक के पीछे मैं बड़े दिनों से, बड़े महीनों से पड़ा हुआ था। मेरा आप समझ लें एक ड्रीम था कि मैं इस बाइक को ओ करूं और इसको राइड करूं और इस पे मुख्तलिफ किस्म की जो राइड्स हैं वो करूं। तो मैंने ये तकरीबन कल बाई की है, यानी कि 30 अप्रैल को मैंने ये बाई की। तो उसकी भी मैं फुटेज लगा दूंगा जब मैं लेके आया था। और आज फर्स्ट है, तो मैंने इसको जो है वो वॉश वैक्स वगैरह करके और ये वीडियो के लिए मैंने रेडी किया बिल्कुल। तो अब आपको डिले किए बगैर बाइक दिखाते हैं, बाइक कौन सी है। सो हियर गोज नथिंग, 3 2 1 गो। ये है मेरे सुजुकी GS150, सुजुकी GS150 SE वर्जन। इसमें बेसिकली दो वर्जन आते हैं, एक सिंपल सुजुकी GS150 और एक सुजुकी GS150 SE वर्जन। तो मैंने SE वर्जन वाला बाइक ही है। अच्छा, अब हम छोटी सी राइड पे जाते हैं। उस राइड में मैं आपको बताता हूँ मेरा परचेज डिसीजन क्या था, मैंने बाइक किस तरह बाई की और फ्यूचर में मेरा इस बाइक के साथ क्या मूड है। तो स्टे ट्यून, मज़ेदार व्लॉग होगा। सो लेट्स गो। अच्छा, मैं तकरीबन 2-3 महीने हो गए थे। ये इसका स्विच है, ये इसका किल स्विच और ये स्टार्ट। एक सेकेंड। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि मैं 2-3 महीनों से एक बजट बाइक ढूंढ रहा था। बेसिकली मेरे पास 150 सीसी कैटेगरी में मैं कोई बाइक बाय करना चाहता था। बजट बाइक मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि मैं 0 मीटर लेने के हक़ में नहीं था। 150 मैंने कहा यार मैंने चलानी है, मैंने इसको यूज़ करना है, तो मैं कोई यूज्ड बाइक लेता हूँ। मेरा एक आप समझ लें कि 150 यूज्ड बाइक ढूंढने का मेरा था कि मैं किसी को इस तरह ही पार्क व्हील्स पे सर्च करूँ, ढूंढूँ कि मिलने जाऊँ, देखूँ बाइक पसंद आए तो मैं बाइक करूँ। मेरा शोरूम से बाइक करने का ना मूड नहीं था। ठीक है, तो 2-3 महीनों में से ढूंढ रहा था, तो मुझे कोई बाइक लो माइलेज साफ कंडीशन में मिल ही नहीं रही थी। तो फॉर्चुनेटली कल ही एक ऐड लगी। तो कल ही ऐड लगी, ये बाइक टाउनशिप में खड़ी थी और ये सिर्फ और सिर्फ जो थी ना 12,000 किलोमीटर चली हुई थी। फर्स्ट ओनर था, बाइक की कंडीशन भी ठीक थी। कंडीशन से वैसे मुझे ना इतना कोई गर्ज नहीं था, मुझे बस था कि इंजन ठीक होना चाहिए, इंजन ना ओपन हो और इस इंजन का काम ना हुआ हो। बाकी कंडीशन वाइज भी ठीक थी और उन्होंने लाहौर के अंदर ही सारी राइड की थी। तो कल मैं गया हूँ अपने फादर के साथ और उनकी जितनी आस्किंग थी, आस्किंग तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी, निगोशिएट करके कोई रिजनेबल प्राइस में मैंने 2019 मॉडल ये मैंने बाई की। सिर्फ 12,000 चली हुई है 4 सालों में, ठीक हो गया। अब हमने बता दिया कि मैंने ये बाइक किस तरह की। अब सेकंड बात आ जाती है कि अच्छा, ये मैंने पार्कफील्ड से ऐड देखी थी। अब मैंने ये बाइक क्यों बाई की है? बेसिकली मेरा बहुत महीनों से ये प्लान था कि मैं कोई बाइक ऐसी लूँ जो कि डेली ड्रिवन भी हो और मैं उसको एडवेंचर के तौर पे भी यूज़ कर सकूं। तो 150 कैटेगरीज में बहुत सी आती हैं, आप लोगों को पता है, यामाहा YBR आ जाती है, होंडा की 150 आ जाती है और सुजुकी की 150 आती है। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिकली सुजुकी क्यों चूज़ की, उसकी मेन रीज़न यही थी कि जो है ना, आपको पता है जो होंडा है और यामाहा है उसमें प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है साइडों पे। तो मुझे था कि कल को मैं जाऊंगा कहीं लग गई तो वो बड़ा एक, चलें बाइक का तो नुकसान तो है ही है, उसके अलावा मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है कि वो टूटी फूटी नज़र आएगी बाइक का, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैंने वो दोनों बाइक जो थी वो अपनी कैटेगरी से आउट कर दी, होंडा 150 और YBR। उनमें आपको पता है इधर साइड में प्लास्टिक फेयरिंग्स होती हैं, तो उस वजह से मैंने ये उन बाइक्स को निगलेक्ट कर दिया और 150 सुजुकी बाइक की। उसमें एक और बात थी कि इनकी मेंटेनेंस इजी है 150 की, और सेकंड बात, मजबूत बहुत ज़्यादा है ये बाइक से। इसमें कोई भी प्लास्टिक पार्ट आपको टैंक वगैरह कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, सारी मेटल बॉडी है, तो ये बहुत मजबूत बाइक है। और थर्ड पॉइंट ये था कि
अगर कहीं भी गिर भी जाती है तो इसकी प्लास्टिक बॉडी वगैरह नहीं टूटेगी। और मेरे कुछ जानने वालों के पास भी थी। इसकी सस्पेंशन बहुत मज़ेदार है, इनफैक्ट वाइब्रेशन बहुत कम है। और मुझे लुक्स मैटर नहीं करती थी, क्योंकि मैंने इस बाइक को चलाना था, अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। तो लुक्स में मुझे पता है ये बाइक होंडा से और यामाहा से नीचे है, ज़ीरो इसको नंबर मिलेंगे लुक्स वाइज, गोल्ड हेडलाइट है, दिस एंड दैट। लेकिन मेन पॉइंट यही था बाइक करने का कि यार ये मजबूत बहुत है, बाइक की बहुत जगह पे चली जाती है और नॉर्दर्न इलाके में यहाँ वहाँ हर इलाके में चली जाती है। और ड्यूरेबल है, मजबूत है, सस्पेंशन अच्छी है, सिटिंग पोजीशन अच्छी है, और डीलरशिप भी है इनकी जहाँ से आप इनको जो है ना मेंटेन वगैरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आगाह करें कि जो ये मैंने बाइक बाई की है, ये मेरा परचेज डिसीजन आप लोगों को कैसा लगा। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में BMW एडवेंचर सीरीज़ पे लाजमी जाएंगे। वो भी मेरा एक ड्रीम है कि 850 हो, 1250 हो, कोई सी भी हो, हम लाजमी उन पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी स्टार्ट के लिए मेरा आप समझ लें मेरी एक आदत है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बाइकिंग स्टार्ट की तो वो 125, 150, 170 उसके बाद 600 इस तरह की बाइक से मैंने स्टार्ट किया। मैंने फ़ौरन सुपर चार्जर H2 नहीं बाइक की। तो इसमें भी यही है कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ 150 से। इस वजह से मैंने GS पे नहीं गया फ़ौरन ही। मैंने कहा पहले एक्सपीरियंस आना चाहिए राइडिंग का, सब चीज़ों का, एडवेंचर का। अब हम इस पे जो है ना मुख्तलिफ सिटीज़ जाएंगे, जैसे लाहौर टू गुजरांवाला, लाहौर टू मुल्तान, लाहौर टू इस्लामाबाद राइड की भी वीडियो बनाएंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये कि हम करेंगे फूड व्लॉग्स। बेसिकली हम आप लोग मुझे जगह बताएंगे कि जैसे जस्ट पोज गुजरांवाले की ये चीज़ बहुत मशहूर है, तो मैं इसी बाइक पर जाऊँगा और उनके वहाँ पे फूड व्लॉग्स बनाएंगे और आते जाते का जो सफ़र है हम वो कवर करेंगे। ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक और बात। इसमें ना एक ये आता है गार्ड टाइप, ठीक है, बैक सीट के लिए। इधर हम एक स्पेशल गार्ड लगवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक गार्ड एक और लगेगा, एक फ्रंट पे लगेगा। फ्रंट पे हम इसकी LEDs लगाएंगे 1, 2, 3 ताकि अच्छी हो। इसका ये हम हेलोजन बल्ब चेंज करेंगे। यहाँ पे एक वाइजर लगाएंगे और यहाँ पे कवर्स लगाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे एक USB पोर्ट लगवाएंगे ताकि हम अपना मोबाइल, GoPro सब कुछ चार्ज कर सकें। और मोबाइल होल्डर इधर लगाएंगे, पिनर बॉक्सेस लगवाएंगे। अच्छा सॉरी, मेरे प्रोनाउंसिएशन अगर मेरी गलत हो रही है। बॉक्सेस लगवाएंगे 1, 2, 3 बॉक्सेस लगवाएंगे और इसको हम फुल ऑफ रोड और एडवेंचर के लिए जो है ना तैयार करेंगे। अभी तो तकरीबन मई का महीना है, गर्मियाँ फुल अरूज पे हैं लाहौर पे, तो अभी 2-3 महीने हम जो है ना इसको तैयार करेंगे। मॉडिफिकेशंस वगैरह जितनी भी होंगी उस पर व्लॉग्स बनाएंगे अलग-अलग। और बेसिकली मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर कोई जो बंदा है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी एडवेंचर बाइक, और लोग इन पे ऑप्ट करते हैं। तो जो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि एडवेंचर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं आसानी पैदा करूँगा। मैं उनको बताऊँगा ये चीज़ कितने की कॉस्ट की, मुझे कहाँ से मिलेगी, और इसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी कैसी है, और ये चीज़ उतने की वर्थ है या नहीं। तो हम एक पूरा एक एपिसोड, पूरा सीज़न स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इस पर इंशाल्लाह जैसे ही मौसम बेहतर होगा हम टूरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो लाजमी मुझे इंस्टाग्राम पे रابطہ करें, हम जाएंगे। सो दैट्स प्रीटी मच इट। द बाइक इज़ हेयर और अब मॉडिफिकेशंस की और इसकी वो वाली वीडियोस आएंगी आपके पास टूर की। आई होप सो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मेरा परचेज डिसीजन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने मुझे सजेशन से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, दिस डजेंट मैटर कि आपके पास 70 है बाइक, 125 है, 150। देखें बाइक बाइक होती है, मैं इस पॉइंट पे बहुत ज़ोर देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि बाइक के बस इम्पोर्टेंट एक ही पॉइंट है आपके पास कि टू व्हील्स होना लाजमी है, ठीक है। गाड़ी पे फोर व्हील्स हैं मज़ा नहीं आना, टू व्हील्स हों चाहे, फिर इंजन मैटर नहीं करता आपका ना, जो मर्ज़ी इंजन हो, 150 हो, 70 हो, फिर आप उसको इंजॉय करते हैं। तो
आपको इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, एक व्लॉग मैं ये अपलोड करूँगा, एक में मैं फिर अपलोड करूँगा इसका वॉक अराउंड, इसके सारी चीज़ें स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं दिखाऊँगा, उसके बाद फिर मॉडिफिकेशंस और H2 के भी व्लॉग्स मैं साथ साथ डालता रहूँगा। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।